कहा जाता है कि जब कोई औरत माँ बनने वाली होती है तो उसे अपना ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, जो कि बिल्कुल सच्ची बात है। उसे अपने खाने पीने पे, उठने बैठने पे काफी ध्यान देना पड़ता है, और उस समय पर डॉक्टर्स भी ये सलाह देते हैं कि उसे अच्छा आहार यानी कि पोषण युक्त भोजन ही करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर दो दो जाने पल रही होती हैं, जिसकी वजह से अगर वो अच्छा आहार लेती है तो शिशु भी उतना ही ज्यादा अच्छा और सुरक्षित पैदा होता है। तो आइए, मैं आपकी दोस्त नायरा आज आपके साथ शेयर करूंगी नई माँ के लिए कुछ पोषण युक्त आहार। टिप नंबर 1, रवा इडली। नई माँ को आप रवे से बनी हुई चीजों का सेवन करा सकते हैं, जैसे कि रवा इडली या फिर रवे से बना हुआ डोसा, क्योंकि इसका सेवन करने से शरीर के अंदर लैक्टोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से शिशु के लिए दूध का निर्माण ज्यादा होता है। टिप नंबर 2, सूप का सेवन करना। प्रसव की प्रक्रिया के बाद आपको नियमित रूप से सूप का सेवन जरूर करना चाहिए, फिर चाहे वो टमाटर का सूप हो, गाजर का सूप हो या फिर लौकी का, आपको सूप का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शरीर को काफी मजबूती मिलती है। टिप नंबर 3, खिचड़ी। नई माँ के लिए कई बार पेट से संबंधित परेशानियां आम बात हो जाती है, इसलिए उन्हें आपको दाल से या फिर चावल से निर्मित खिचड़ी का सेवन कराना चाहिए। ऐसा करने से पूरे शरीर को आहार भी मिलता है, साथ ही साथ खाना भी ठीक तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। टिप नंबर 4, तरल पदार्थ। प्रसव की प्रक्रिया के बाद नई माँ के शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है तरल पदार्थों की, क्योंकि इसका सेवन करने से शरीर डिहाइड्रेट नहीं होता। साथ ही साथ तरल पदार्थ जैसे कि जूस, दूध, लस्सी आदि का सेवन करने से नई माँ के शरीर में दूध भी ज्यादा मात्रा में बनता है। टिप नंबर 5, अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का कॉम्बो बेस्ट रहता है नई माँ के लिए। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है, साथ ही साथ वजन भी बहुत ज्यादा संतुलित रहता है। आप खाने के अंदर गार्लिक का प्रयोग अच्छे तरीके से कीजिए। आप चाहें तो गार्लिक की चटनी बनाकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को करते रहने से नई माँ के शरीर को पोषण भी मिलता है, पाचन क्रिया स्वस्थ रहती है, जिसकी वजह से नई माँ के शरीर में दूध की मात्रा अधिक बनती है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जिनका सेवन नई माँ के लिए काफी जरूरी है। इनका सेवन कीजिए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए। अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाजत लेती हूँ।